नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा YouTube चैनल मार्केट रिसर्च में, और मैं आपका दोस्त निखिल आज बात करने जा रहा हूँ FMCG सेक्टर के एक बहुत ही बेहतरीन और दिग्गज कंपनी के बारे में, जिसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। हाँ दोस्तों, ये कंपनी एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, और सुबह से शाम तक लगभग डेली हम जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड बनाती है। मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं ब्रूक बॉन्ड, ब्रू, लिप्टन, किसान जिसके सॉस सॉस आते हैं, नॉर जिसके सूप्स आते हैं, हॉर्लिक्स और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे रिन है, डोमेक्स, व्हील, सर्फ एक्सेल, विम, और डिओड्रेंट्स आते हैं एक्स के, लैक्मे, लक्स, पॉन्ड्स, पेप्सोडेंट, रेक्सोना, सनसिल्क। ये कुछ प्रोडक्ट्स के नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इस कंपनी के, और इनका एक प्योरेट करके वाटर प्योरीफायर भी आता है। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी इनकी प्रोडक्ट्स रेंज है जो कि हमें सुबह से शाम तक हमारे डेली मर्रा में हमको दिखाई देती है। तो बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स पर। तो एक लगभग 5 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप है इस कंपनी की, और इंडस्ट्री का पीई देखें तो 67 है, और ये हमें 74 के पीई पे मिल रहा है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं हमें बहुत ही प्रीमियम वैल्यूएशन पे ये स्टॉक मिल रहा है, क्योंकि इसकी वैल्यूएशन अच्छी है, कंपनी स्टॉक बहुत अच्छा है, इसलिए हमें प्रीमियम वैल्यूएशन पे मिल रहा है। ये बुक वैल्यू की बात करें तो लगभग 34 है, डिविडेंड कंपनी लगभग 1.6% इनका डिविडेंड यील्ड है, और अगर इनकी बैलेंस शीट की बात करें तो क्वार्टरली बैलेंस शीट अगर देखें तो पिछले क्वार्टर में इन्होंने लगभग 1900 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट दिया था, जो कि दिसंबर एंड मार्च वाले क्वार्टर से काफ़ी ज़्यादा था। इवन इस क्वार्टर में लॉकडाउन भी था, बट स्टिल इन्होंने 1900 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है। और अगर बात करें इनके एनुअल परफॉर्मेंस की, तो आप देख सकते हैं लगभग हर साल इनका नेट प्रॉफिट है वो बढ़ता ही जा रहा है। 2016 में जो कि 4000 के आसपास था, वो अभी लगभग 7000 करोड़ के आसपास हो गया है लास्ट ईयर में। और अगर बात करें डेट की, तो डेट बिल्कुल नहीं है कंपनी के पास, जो कि बहुत ही प्लस पॉइंट है। और अगर ROE, ROCE और ROA की बात करें तो जो कि बहुत ही अच्छे हैं, 82 का ROE है, 88 का ROCE है एंड 33 का ROA है, जो कि बहुत ही अच्छे फिगर्स है। ये लगभग अगर 15 के ऊपर होते हैं तो इनको बहुत ही अच्छा माना जाता है, और यहाँ पर तो ये 80 के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, तो दिस इज़ अमेजिंग। और अगर बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो FII ने अपना स्टेक बढ़ाया है, ये लगभग 12.3 के आसपास था, जो कि अभी 14.8 पर आ गया है, ये लास्ट एक साल का डेटा है यहाँ पर। और DI का भी स्टेक 9.4 से अराउंड 11.97 पे आ गया है। म्यूचुअल फंड ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है, इसमें 2.58 से 4.37 पर हो गया है। तो कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देख के भी लग रहा है कि बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका भी कहीं ना कहीं विश्वास बढ़ा है कंपनी के ऊपर, वो अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। और ये दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस की अगर हम बात करते हैं तो ये वीकली चार्ट है, और वीकली चार्ट में जो ये ऊपर वाली लाइन है, दिस वन डिनोट्स 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड दिस ग्रीन वन इज 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दिस इज 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड दिस इज 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये ग्रीन वाली अगर आप लाइन देखेंगे, जो कि 50
एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को डिनोट करती है। तो स्टॉक लगातार इसका सपोर्ट लेता है, देन ऊपर जाता है। इसने कई बार इसका सपोर्ट लिया है, देन फिर ऊपर गया, फिर ये नीचे इसके सपोर्ट तक आया, फिर ऊपर गया, देन फिर इसने सपोर्ट लिया, देन यहाँ पर फिर से सपोर्ट लिया। और अगर अभी देखें तो ये फिर ग्रीन वाली लाइन पे लगभग टच कर रहा है। तो अभी ये स्टॉक 2160 पर क्लोज हुआ है आज, जो कि ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट, बहुत ही बड़े सपोर्ट पर है। और अगर ये यहाँ से ऊपर की तरफ एक मूव करता है तो इसमें आपको अच्छे रिटर्न्स दिख सकते हैं शॉर्ट टर्म में, और लॉन्ग टर्म के लिए तो हमेशा ही ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है, कंपनी बहुत ही अच्छी है और हमेशा से लॉन्ग टर्म में अच्छा रिजल्ट देती आई है और ये आगे भी देगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आगे आप और कौन सी कंपनी है जिसके बारे में ऐसी एनालिसिस देखना चाहते हैं। मैं ट्राई करूँगा उस एनालिसिस को यहाँ पर इंक्लूड करने की। और मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।